जिसे देखो वो यही बात किए जा रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। पर जब इन दोनों टीम्स का ऑल टाइम कंबाइंड ओडीआई 11 बनेगा तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव होगा यार। इंडिया के तगड़े बैटर्स और पाकिस्तान के क्वालिटी बोलर्स, डेडली कॉम्बिनेशन है यार। तो आइए डिस्कस करते हैं द ऑल टाइम इंडिया पाकिस्तान ओडीआई 11 के बारे में। सबसे पहले आते हैं इसमें क्रिकेट की दुनिया के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर। अब सचिन जिस टीम में होते हैं उस टीम का बैटिंग लाइनअप ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सचिन के पिटारे में बहुत सारे शॉट्स हैं। अपने करियर में वो 100 सेंचुरीज लगा चुके हैं और एक्सेलरेट करने की एबिलिटी इनमें सबसे ज्यादा है। सचिन के साथ ओपनिंग पेयर में रह सकते हैं पाकिस्तान के सईद अनवर। उन्होंने अपने करियर में 247 ओडीआई मैचेस खेले हैं और उसमें से 8,824 रन बनाए हैं और पूरे करियर में उन्होंने 20 सेंचुरीज लगाई हैं। इसलिए सचिन के साथ वो ओपनिंग पेयर के लिए बेस्ट रह सकते हैं। 3 नंबर पे विराट से अच्छा बैट्समैन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओडीआई में उनकी एवरेज 57.3 की है, जो कि कमाल की एवरेज होती है यार। इन्हें चेज मास्टर भी कहा जाता है और 3 नंबर पे इस टीम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर की तरह रह सकते हैं। 4 नंबर पे आते हैं इंजमाम उल हक, जिन्होंने 90s में सभी बॉलर्स को डोमिनेट किया है। उन्होंने अपने करियर में 378 ओडीआई मैचेस खेले हैं और लगभग 12,000 रन भी बनाए हैं। 5 नंबर पे आते हैं युवराज सिंह, जो टीम में ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं। उन्होंने अपने करियर में ऑलमोस्ट 9,000 रन बनाए हैं और साथ में 111 विकेट्स भी चटकाई हैं। तो 5 नंबर के लिए युवी बेस्ट ऑप्शन है। 6 नंबर पे है MS धोनी, जो कि इस टीम के कप्तान भी रहेंगे। अपने करियर में उन्होंने 350 ODIs खेले हैं और 10,773 रन भी बनाए हैं। बैट्समैन और विकेट कीपर तो ये बेस्ट ही हैं। साथ में कैप्टन कूल तो इनसे बेटर इस टीम में कोई हो ही नहीं सकता। 7 नंबर पे है हरियाणा हरिकेन कपिल देव, 1983 के हीरो और एक बेहतरीन ऑलराउंडर। अपने ODI करियर में उन्होंने ऑलमोस्ट 4,000 रन बनाए हैं और 253 विकेट्स भी ली हैं। 8 नंबर पे है इमरान खान, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े सितारे और ये भी एक कमाल के ऑलराउंडर रहे हैं। अपने ODI करियर में इन्होंने 3,709 रन और 182 विकेट्स भी ली हैं। 9वें नंबर पे हैं ऑफ स्पिनर हमारे भज्जी पाजी यानी हरभजन सिंह, जिन्होंने अपने करियर में 236 ODIs खेले हैं और 269 विकेट्स ली हैं और इस टीम में ये लीड स्पिनर का रोल निभाएंगे। 10th नंबर पे हैं सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एवर, जिन्होंने अपने ODI करियर में 356 मैचेस खेले हैं और 502 विकेट्स लिए हैं और यही नहीं बल्कि अपने बैटिंग से भी कई बार कंट्रीब्यूट किया है। इस टीम के आखिरी यानी 11वें खिलाड़ी हैं वकर यूनिस, क्योंकि अकरम और वकर की जोड़ी 90s में सुपरहिट थी। द बूढ़े वाला एक्सप्रेस यानी यूनिस ने अपने ODI करियर में 416 विकेट्स ली हैं। तो ये थी इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड ऑल टाइम ODI 11। लेकिन अगर आपके लिए इस टीम में कोई चेंज है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।